मंत्री थे, वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। आदरणीय दादा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता है, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी धर्म में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने